आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है मैग्नीट्यूड्स 5, 12 एंड 13 यूनिट्स एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी। एक्चुअली आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, सबसे पहले तो हम वो यहाँ पे समझते हैं कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया। क्वेश्चन के अंदर आपको एक्चुअली पहले तो यहाँ पे जो है दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। सो यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड दे दिया गया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपके पास 5 यूनिट्स है, वेक्टर बी का जो आपके पास मैग्नीट्यूड है आपके पास जो यहाँ पे 12 यूनिट्स है एंड वेक्टर सी का जो आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड है आपके पास यहाँ पे 13 यूनिट्स है। एंड ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऑल्सो बोला गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू है वेक्टर सी के, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, मतलब क्या आपका हो गया आपके पास यहाँ पे आपके पास एक समकोण त्रिभुज में ये वेक्टर है आपके पास, ठीक है। एंड जहाँ पे सी क्या है, सी आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से हम मान लेते हैं आपके पास ये जो एक इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये एक समकोण त्रिभुज को ये वेक्टर्स जो आपके पास क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट जो वो कर रहे हैं, जहाँ पे सी क्या आपके पास यहाँ पे हाइपोटेनस है। सो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री हो गया, इसमें यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ एंगल थीटा। सो ये आपके पास क्या हो गया यहाँ पे हाइपोटेनस जो वो हो गया वेक्टर सी। एंड इसमें मान लेता हूँ वेक्टर वी और इसमें मान लेता हूँ वेक्टर ए, ठीक है, और इसमें मान लिया यहाँ पे एंगल थीटा। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना, एंगल बिटवीन वेक्टर वी एंड सी, ठीक है। एंगल एंगल यहाँ पे जो है मैं एंगल को एंगल बिटवीन वेक्टर वी एंड सी वेक्टर सी आपको यहाँ पे जो है फाइंड जो है वो करना है, ओके। सो यहाँ पे देखिए, ये आप कैसे रहा वेक्टर वी, ये आप कैसे रहा वेक्टर सी, तो वेक्टर वी और वेक्टर सी के बीच में एंगल कितना आपके यहाँ पे थीटा, ठीक है। और ये देखिए, ये आपके क्या हो गया यहाँ पे हाइपोटेनस, ये आपके यहाँ पे हो गया बेस और ये आपके यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर, ओके। सो हेयर दिस इज थीटा एंड हमें फाइंड करना है वी और सी के बीच एंगल, दैट मीन्स ये एंगल थीटा। सो एंगल थीटा क्या हम इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं, ये आपके क्या हो गया बेस और ये आपके हो गया हाइपोटेनस एंड बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या होता है हमारे पास कोस थीटा, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, दैट मीन्स वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर सी। सो वेक्टर बी का यहाँ पे वैल्यू ऑफ कैश कितना है यहाँ पे 12 एंड वेक्टर सी की वैल्यू ऑफ कैश यहाँ पे 13, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ऑफ कैश यहाँ पे 13। सो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू ऑफ कैश यहाँ से आ जाएगा कोस इनवर्स 12 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स 12 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।